बोलिए सोना गिर के चंद्रप्र भगवान की, बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, बोलिए महावीर भगवान की। लक्ष्मी भूषण माता जी की, संतोष कन्या का स्वस्ती भूषण माता जी की, जयकारा गुरु मां का, जयकारा गुरु मां का, तेरे तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए आते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, दिलों से दिल को मिलाते चलो, दिल से दिल को मिलाते चलो। ओ देवरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा, है अर्जी दीवाने की जहां बोर सुहानी देखी, एक रोज वही में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम
रंगीला ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए, लसन लो कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पानी कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। ये जहाजपुर तो बहुत गए हैं, लेकिन ये आज कह रहे हैं माताजी सोनागिर में विराजमान है, तो हम स्वतंत्रता दिवस माताजी के साथ ही मनाएंगे। 31-31 रुपये पूज्य ये सौभाग्य प्राप्त किया है, पूज्य गुरुमा के कर कमलों में प्रथम शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। सकल जैन समाज एवं शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है 3131 रुपये की राशि से। द्वितीय 2121 की राशि। चलिए आइए और कार्यक्रम के बीच में वो भी आ जाएं और पूज्य माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। माता जी वंदामी, वंदामी माता जी, प्रिंसिपल महोदय। टीचर हैं? हाँ प्रिंसिपल हैं। अच्छा अच्छा, हाँ पहले प्रिंसिपल आइए, पहले प्रिंसिपल सर आ जाएं, उनके लिए हमारी माताजी आशीर्वाद दे रही हैं और समस्त शिक्षकों को भी आशीर्वाद दे रहे हैं। बच्चे भी बैठे रहेंगे और आप सभी के लिए माताजी बहुत सुंदर सा गीत सुनाएंगे सभी की। अच्छा किस किस को माताजी को सुनना है? और ये क्यों बच्चों इधर देखो, जिस जिस को माताजी को सुनना है एक बार दोनों हाथ ऊपर करो। किस किस को सुनना है? सभी को सुनना है ना। आम से अच्छा कोई फल नहीं होता, बोलिए। आम से अच्छा कोई फल नहीं होता, गुलाब से अच्छा कोई फूल नहीं होता, और सारी दुनिया में जाकर देख लेना, भारत देश से अच्छा कोई देश नहीं होता, भारत देश से अच्छा कोई देश नहीं होता। सारी दुनिया अपने देश को देश कहती है, लेकिन हमारे भारत में भारत को माँ कहा जाता है, माँ की उपमा दी जाती है। जैसे एक माँ अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, ऐसे ही ये भारत माँ हम बच्चों का पालन पोषण करती है। देश के माध्यम से जीवन है, सुरक्षा है, उन्नति है, विकास है, और देश ना हो तो कुछ नहीं है। गांव बाद में, गांव से मिलकर शहर बनता है, शहर से मिलकर राज्य बनता है, राज्य से मिलकर देश बनता है, और देश प्रमुख होता है। यदि देश सुरक्षित है तो परिवार सुरक्षित है, राज्य सुरक्षित है, गांव सुरक्षित है, और यदि देश सुरक्षित नहीं है तो ना समाज सुरक्षित है, ना धर्म सुरक्षित है, ना परिवार सुरक्षित है, कोई भी सुरक्षित नहीं है।
इसलिए ऐसा काम करना चाहिए कि जिससे हमारा देश उन्नति को प्राप्त हो, हमारे देश का विकास हो, हमारे देश में सुख हो, शांति हो। और यदि ऐसा काम नहीं करते हैं और हम अशांति का काम करते हैं, लड़ाई झगड़ा फैलाने का काम करते हैं, लोगों को दुखी करने का काम करते हैं, तो समझना आप देश का हित चाहने वाले नहीं हो। जो देश को दुखी करे, परेशान करे, वो देशद्रोही भी हो सकता है। बंधुओं, भारत में मैंने भी बताया था कि जितने धर्म भारत की गोद में पल रहे हैं, इतने धर्म दुनिया में किसी भी देश में नहीं है। जैसे एक माँ चार तरह के बच्चों का पालन पोषण कर लेती है, ऐसे ही ये हमारा भारत दुनिया के हर धर्म को स्वीकार करके उसे संरक्षण देता है और उसे धर्म करने की अनुमति प्रदान करता है और सुरक्षा देता है कि यदि तुम इस धर्म का पालन करते हो तो तुम्हें दूसरा कोई बाधा नहीं पहुंचाएगा, तुम सुरक्षित हो। तुम्हें जीवन जीने की शैली देता है, तुम्हारे विकास के लिए हजारों काम करता है, स्कूल खोलता है, चिकित्सा की सुविधा करता है, सड़क बनाता है, जाने बड़े बड़े जितने घाटे के काम होते हैं वो सारे काम देश करता है। और वही काम यदि किसी प्राइवेट वाले को दे दिया जाए तो वो बड़े महंगे हो जाएंगे, लेकिन देश के हाथ में है, सरकार के हाथ में है तो सुरक्षित है। प्रशासन के रूप में भी हमारी सुरक्षा होती है। आज हम यहाँ बैठे हैं किसके कारण से? यदि प्रशासन ना हो तो इस राज्य में रहना मुश्किल हो जाए। प्रशासन की वजह से आप सड़क पर अच्छी तरह से चल पाते हैं, प्रशासन की वजह से आप अपने घर में सुरक्षित रह पाते हैं, प्रशासन की वजह से आप स्कूल अच्छी तरह से जा पाते हैं, पढ़ाई अच्छी तरह से कर पाते हैं। प्रशासन ना हो तो रहना मुश्किल हो जाए। तो देश के माध्यम से हमारे जीवन को उन्नति मिलती है, विकास मिलता है, उत्साह मिलता है, जीवन जीने की सुरक्षा मिलती है। ऐसे देश की रक्षा करने वाला ये हमारा सिपाही हर समय बॉर्डर पर तैनात रहता है कि कोई दूसरा दुश्मन हमारे देश पर अटैक ना कर दे, कोई हमारे देश पर हमला ना कर दे, कोई हमारे देश पर कष्ट ना दे दे, दुखी ना कर दे। हमेशा सुरक्षित रहते हैं, करते हैं। हम दूसरे देश से अपनी सुरक्षा तो कर लेते हैं, मगर हमारा ही देश हमारे देशवासियों को दुखी करे, परेशान करे, तो फिर कहाँ से हम सुधारने वाले लाएंगे? कौन से ऐसे सैनिक होंगे? पड़ोसी पड़ोसी को दुखी कर रहा है, परिवार परिवार को दुखी कर रहा है, समाज समाज को दुखी कर रही है, गांव वाले गांव वालों को दुखी कर रहे हैं, राज्य राज्य को दुखी कर रहा है, तो फिर ऐसे में सुखी होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अपना जीवन बड़ी सावधानी से जिए, बड़ी भावनाओं के साथ में और सबके सुखों की रक्षा करते हुए जिए, तो समझना हम धर्म कर रहे हैं, वरना धर्म भी होने वाला नहीं है। चलिए मैं तीन चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना है बड़ा ही महत्व है। क्या बोलना है आपको? बड़ा ही, थोड़ा बेस बढ़ा दो। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का और जीवन में धर्म का। बच्चों को भी बोलना है बड़ा ही महत्व है, है ना? काम करने में जबरदस्त का, सूर्य के अस्त का और आज 15 अगस्त का। घूमने के लिए बस का, शहरों में बनारस का और आज 15 अगस्त पर स्वतंत्रता दिवस का। गिनती में 9 का, गिनती में 9 का, करने में शो का और यहाँ आने में बच्चों का। शरीर में फीचर का, संस्कृत में चराचर का और बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर का। बड़ा ही महत्व है।
रसोई में कढ़ाई का, करने में बढ़ाई का, और बच्चों के लिए मन लगा के करने वाली पढ़ाई का बड़ा ही महत्व है। बीज में बोने का, कमरे में कोने का, और आपके चुप होने का बाग में फूल का, वृक्ष में मूल का, और बच्चों के लिए स्कूल का बड़ा ही महत्व है। नारियल अच्छे काम में नहीं छोड़ने में कल का, खाने में फल का, और भगवान के चरणों में नारियल का। घोड़े में रेश का, व्यक्तियों में विशेष का, और रहने के लिए भारत देश का। शरीर में कान का, रहने में मकान का, और मंदिर जी में भगवान का बड़ा ही महत्व है। देखने के लिए नेत्र का, गांव में क्षेत्र का, और मध्य प्रदेश में सोनागिर सिद्ध क्षेत्र का बड़ा ही महत्व। माता जी आज स्वतंत्रता शरीर दिवस, में कान का, रहने में मकान का, और चंदा प्रभु, सोनागिर के चंदा प्रभु भगवान का बड़ा ही महत्व है। आने का, इनाम में पाने का, और आप लोगों के आने का बड़ा ही महत्व है। लेने में प्रभु नाम का, व्यापारी में दाम का, और बच्चों के प्रोग्राम का बड़ा ही महत्व है। और अब इसके बाद होने वाले फल वितरण का बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की जय।